दोस्तों मैं हूं शफीक और स्वागत है आपका सीमांचल मीडिया क्लिप्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी कोरोना वायरस जो कि एक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से स्प्रेडिंग हो रही है, बहुत तेजी से फैल रही है। इस चीज को रुकने के लिए, रोकने के लिए सारी दुनिया अपने अपने पब्लिक को घर में रहने को बोल रही है। जैसे इंडिया में देख लीजिए, लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक, मार्च अप्रैल 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। कोई भी बंदा बाहर निकलता है तो पुलिस उसको मारती है, बिना वजह बाहर नहीं निकलना चाहिए। और कोई भी बंदा मोटरसाइकिल पे दो बंदे सवार होते हैं तो उस पर भी पुलिस मारती है। मेडिकल एंड सिर्फ राशन की दुकान पे जाने के लिए अलाउ है। इसी तरह से दुबई ने भी पिछले दिनों कुछ कदम उठाए हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, कुछ फाइन बनाया, कोरोना वायरस का रूल्स बनाया, और उसके रूल्स को तोड़ने पर, कोरोना वायरस के रूल्स को ना फॉलो करने पर कुछ फाइन्स तय किए हैं, कुछ फाइन्स मुकर्रर किए हैं। वही चीज मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने कितने फाइन हैं। आप अगर कोरोना वायरस का रूल दुबई में तोड़ते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का फाइन देना होगा। 10 लाख इंडियन मनी, 10 लाख रुपए तक का फाइन देना होगा, जो कि दिरहम में होता है दुबई का 50,000 दिरहम। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए यहाँ पे बहुत ही सख्त कदम उठाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जब जो रूल बन जाता है एक बार तो वो हो जाता है हमेशा के लिए। और एक बार अगर फाइन की पर्ची आपको लग जाती है तो आपको फाइन भरना ही भरना होगा। इसमें कोई रिश्वतखोरी की काम यहाँ पे नहीं चलता है। कोई भी अफसरों से मुलाकात, अफसरों से दोस्ती यारी यहाँ पे नहीं चलती है। अगर आप फाइन नहीं भरते हैं तो आपको फाइन के ना भरने के इसमें आपको जेल जाना होगा, और जो जेल जितने दिन का वहां पे सजा होगा वो आपको सजा काटना होगा। सबसे पहला नियम यह है कि आप अगर क्वारंटाइन रूल को फॉलो ना करते हैं, अगर आपको अलग रूम में रखा गया है, अलग अलग नहीं रहते हैं, तो घर में डिस्टेंस बना के नहीं रहते हैं, अलग अलग नहीं सोते हैं, तो आप अगर पकड़े जाने पर आपको 50,000, क्वारंटाइन रूल फॉलो ना करने पर 50,000 दिरहम का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी 10 लाख रुपए तक का होता है। दूसरा जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कि अगर आप शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट्स, मॉल, जिम, पब्लिक प्लेस, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह कहीं पे भी अगर जाते हैं तो आपको 5,000 दिरहम तक का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी 1 लाख रुपए तक का होता है। तीसरा जो रूल ब्रेकिंग फाइन है, अगर आप बाहर निकलते हैं खामखा की घूमने के लिए, तफरीह के लिए, तो आपको 500 दिरहम का फाइन देना होगा, जो कि 10,000 रुपए होता है। चौथी जो रूल ब्रेकिंग जो है कि फाइन है कि शादी पार्टी व कोई मीटिंग या कोई भी सभा जुलूस ऑर्गेनाइज करने पर, कोई एक आदमी कराने पर, उसको 10,000 दिरहम तक का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी 2 लाख रुपए का होता है। पांचवी जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कि शादी पार्टी व मीटिंग या कोई जलसा जुलूस अटेंड करने पर, कोई कुछ करा रहा है शादी पार्टी, वहां पे हम जाते हैं तो अगर हम जाएं और पकड़े गए तो वहां पे आपको 5,000 दिरहम का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी जो है कि 1 लाख रुपए होता है। छठी जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कि कहने के बावजूद मेडिकल टेस्ट न कराने पर, अगर किसी को कोई लक्षण है, कोई कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, निशानी है, दिखाई दे रहा कोरोना वायरस हो सकता है इसको, अगर अगर मेडिकल टेस्ट नहीं कराता है, रिपोर्ट जमा नहीं करता है, तो उसको 5,000 दिरहम तक का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी 1 लाख रुपए तक का होता है। और सातवीं जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कोरोना वायरस का कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी एहतियाती तदाबीर उसको बरतने को कहा गया, अगर वो नियम को फॉलो ना करने पर 2,000 दिरहम तक का फाइन लगेगा, जो कि इंडियन मनी 40,000 रुपए तक का होता है। आठवीं जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कि मास्क न लगाने पर, उसके लिए 1,000 दिरहम तक का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी 20,000 का होता है। नवीं जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कि बिला वजह खामखा की कोई भी मेडिकल या फिर कोई भी हेल्थ केयर सेंटर पे जाने पर, बिना वजह कोई काम नहीं ऐसे ही निकल गए, तो 1,000 दिरहम तक का फाइन देना होगा। दसवीं जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कि कार या गाड़ी में भी 3 लोगों से ज्यादा आदमी को बैठाने पर, वहां पे आपको 1,000 दिरहम तक का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी 20,000 रुपए होता है। 11वीं जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कि चलने के दौरान डिस्टेंस न बनाने पर, दूरी न बनाए रखने पर, सोशल डिस्टेंस, बाहर रोड पे अगर आप चल रहे हैं, काम से चल रहे हैं, 10 लोग काम से आए हैं,
तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है, दूरी बना के रखना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो 1,000 दिरहम तक का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी 20,000 का होता है। 12वीं जो रूल ब्रेकिंग फाइन है कि बिना वजह खामखा के बगैर कोई काम के घर से बाहर निकलने पर ऐसा ही निकल गए खामखा में, तो 2,000 दिरहम तक का फाइन देना होगा, जो कि इंडियन मनी 40,000 रुपए तक का होता है।